हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो सीयूईटी 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है। इस तरह की सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस चैनल पे आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई हैं आप इसको पढ़ लेना। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना और वहां पे जो भी बातें लिखी गई हैं उसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नीचे बोला गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स में आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है वो दोनों जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आप जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे इसमें आपको अपलोड करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का जो भी आपके पास है। इसके अलावा आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करना है और साथ में आपको अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में और इन सब का साइज होगा 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में। आप इसके बाद पेज को थोड़ा और नीचे करेंगे, यहाँ पे बताया गया कि पेमेंट कितनी करनी है। तो यहाँ पे जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको ₹650 का पेमेंट करना होगा, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको ₹600 का पेमेंट करना होगा, जो बच्चे SC ST PWBD या फिर थर्ड जेंडर हैं उनको ₹550 का पेमेंट करना होगा, और जो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर के हैं उनको ₹3000 का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप पेज को थोड़ा और नीचे करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके आगे आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस पे आप चेक करेंगे और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है उसे आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है पर्सनल डिटेल, यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया है कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। नीचे फादर का नाम लिखेंगे, उसके नीचे मदर का नाम लिखेंगे, उसके नीचे गार्जियन का नाम लिखना है, उसके नीचे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको बताना होगा, उसके नीचे जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर पूछा गया नेशनलिटी वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपके पास इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है आपको बताना होगा, पैन कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आपको उसका नंबर डाल देना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको आधार कार्ड देना है तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे। और सेम इसी तरह से अगर आपको पैन कार्ड एक छोड़ देना है तो आप उसको सिलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद बारी आती है एड्रेस की, सबसे ऊपर यहाँ पे पूछा गया है प्रेमिसेस नंबर आपको बताना होगा, नीचे बताना है सब लोकेलिटी, फिर लोकेलिटी आपकी क्या लगती है आपको बता देंगे, नीचे पूछा गया है कंट्री, आपकी कंट्री क्या है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर नीचे पूछा गया है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा, फिर नीचे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर नीचे आपका पिन कोड क्या है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना होगा। इतना करने के बाद नीचे यहाँ पे पूछा गया है ईमेल आईडी, आपको वो एंटर करना है और नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना होगा। इसके बाद नीचे पूछा गया है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे वो डाल देना होगा, नीचे मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वह दूसरा वाला आपका जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको इस पर टिक नहीं करना, आपको सीधा नीचे आना है और नीचे आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको अलग से फिल करना होगा। इसके बाद बारी आती है पासवर्ड की, यहाँ पे आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड जो होगा ये 8 से लेकर 13 करेक्टर के बीच में होना चाहिए,
यहाँ पे आपका एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो हैश या एट द रेट होता है सिंबल, ये सब भी आपको इंक्लूड करना होगा। मतलब सब चीज मिला के आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। नीचे आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर नीचे पूछा गया सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेना और नीचे आप उसका एक आंसर भी दे देना। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है, इससे बाद में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने में आसानी होगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि पासवर्ड भूलना ही क्यों है, इसको कहीं पे आप नोट डाउन करके रख लेना। फिर नीचे यहाँ पे आता है सिक्योरिटी पिन। यहाँ पे आपको जो पिन दिख रही है, सेम पिन आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रिव्यू करने के लिए, मतलब जो भी डिटेल आपने फिल करी है आपको उसको चेक कर लेना है कि वो गलत तो नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई गलती लगती है तो आप पेज को नीचे करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस पे आप क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। आप इस पर जितनी चीजें यहाँ पे लिखी है, माई नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, जितनी चीजें आपको लिखी है दिख रही है, सबके आगे आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा। और टिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आई हियर बाय डिक्लेयर वाली जो लाइन है, इसके आगे आपको जो बॉक्स है इस पर आपको टिक करना होगा। और यहाँ पे आगे लिखा है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि आप जितनी भी चीजें फिल करते हैं, फिल करने के बाद 2 से 3 बार चेक कर लेना कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी गलती कर दी तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इतना करने के बाद आपके सामने फिर से यही पेज आ जाएगा। अब आपको पेज को सबसे नीचे कर लेना है और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो ओटीपी मोबाइल नंबर पे आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आपको जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये वाला, आपको ये यहाँ पे नीचे डालना है और नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको पेज को नीचे कर लेना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये दोबारा से ओपन होगा। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें पहले से फिल करी हुई आ रही होंगी, लेकिन जो चीजें फिल नहीं है आपको वो फिल करना होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आपको यस करना है वरना आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर नीचे पूछा गया फादर की क्वालिफिकेशन, आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, आपको यहाँ पे वो बता देनी है। फिर नीचे पूछा गया फादर का ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे मदर का नाम खुद ब खुद आ रहा होगा। फिर मदर की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बता देनी है, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। फिर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर गार्जियन नेम आ रहा है, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है आपकी, आपको वो बता देना है, जो भी आपकी इनकम इनमें से है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे पूछा गया आर यू ट्विन, अगर हैं यस वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिर डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा है, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे पूछा गया क्या आप डायबिटिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पे यस पे करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर बारी आती है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, अर्बन है या फिर रूरल है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे पूछा गया मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपने खुद करा है या क्या है, आप वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब अगर आप 12th पास हैं तो 12th आपने किस मीडियम में पास किया है, आपको यहाँ पे वो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है या कौन सा है, आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप पेज को थोड़ा और नीचे करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है अदर कोटा एंड कैटेगरी की, यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं यस वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर पूछा गया आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस या नो आप बता देंगे। फिर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विस मैन, अगर हैं तो आप यस वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, यस या नो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पे यस या नो, जो भी है आप अपने हिसाब से क्लिक कर लेंगे। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर हैं तो आप यस करेंगे वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अगर इन चीजों से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर देंगे वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सेव का, इस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल को सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर यहाँ पे कोई गलती आपको लगती है तो आप अभी भी चेंज कर लेना, सब कुछ ठीक हो तभी आप सेव के बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे फिर से आपके सामने वही पुराना पेज आ चुका है रिव्यू वाला, आपको यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना है। अगर कोई गलती आपको अभी भी लगती है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपडेट पर्सनल फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप अपनी गलतियों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है एजुकेशनल डिटेल की, यहाँ पे आप अपने क्लास 10th की क्लास 12th की डिटेल फिल करना होगा।
सबसे पहले हमें बारी आती है क्लास टेंथ की डिटेल की। तो यहाँ पे पूछा गया रिजल्ट का स्टेटस क्या है, तो क्लास टेंथ में आप पास हो चुके हैं, आपको पास पे सिलेक्ट करना होगा। फिर पूछा गया पासिंग ईयर, आपने क्लास टेंथ किस ईयर में पास किया था, आपको यहाँ पे वो बताना होगा। उसके बाद पूछा गया क्वालिफाइंग एग्जाम, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, वही टेंथ में टेंथ ही एग्जाम होता है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, वो कहाँ पे थी, अर्बन या रूरल, आप यहाँ पे वो बता देंगे। फिर टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस तरह का स्कूल या कॉलेज था आपका, गवर्नमेंट था या क्या था, इनमें से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किस कंट्री से आपने किया है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, आप वो सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट कौन सा था, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल पढ़ता था, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके बोर्ड का नाम क्या था, आपको यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड का नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से आपको अपने बोर्ड का नाम सही से फिल कर लेना होगा। इसके बाद नीचे पूछा गया स्कूल स्लैश कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, आगे आप एड्रेस भी डाल देंगे। स्कूल का या कॉलेज का जो पिन कोड है, आपको यहाँ पे पिन कोड भी डाल देना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा गया रोल नंबर, आप अपने क्लास टेंथ का रोल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देना होगा, जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा। फिर रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज थी या ग्रेड सिस्टम था, जो भी आपके में था आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपने मार्क्स भी एंटर करने होंगे। अगर यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे आप अपना ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, तो ग्रेड में 10 का ही होता है ना, तो 10 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सीजीपी आपको मिली कितनी, 10 में से कितना सीजीपी आपको मिला है, तो जो भी आपको मिला है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हो चुका है एंटर सीजीपी इक्विवेलेंट परसेंटेज, परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। इतना करने के बाद ये तो होगी क्लास टेंथ की डिटेल। सेम इसी तरह से आप फिल करेंगे क्लास ट्वेल्थ की डिटेल। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्वालिफाइंग एग्जाम का। अगर आप यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, और सब कुछ फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आके यहाँ पे आपको सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो इस तरह से आप अपने क्लास टेंथ की क्लास ट्वेल्थ की डिटेल को आराम से आसानी से फिल कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो डिटेल फिल करी है आपको फिर से दिखाई जाएगी, आप उसको चेक कर लेना की सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आप पेज को सबसे नीचे करेंगे, और नीचे करके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई गलती है, तो यहाँ पे लिखा है अपडेट एजुकेशनल फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पे बारी आती है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट करना होगा, और कम से कम एक का तो आपका नाम सिलेक्ट करना ही होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, इस पे आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब इनमें से जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, इन सब में एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे DU का एग्जाम्पल लेके आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपको जिसका भी यहाँ पे लेना हो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम्पल मुझे करना है BA ऑनर्स इंग्लिश, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सेम इसी तरह से आपको जिस भी जगह के लिए अप्लाई करना है आप उसका नाम चूज करेंगे, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम चूज करेंगे। आपको बगल में ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप और नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एक नाम मैंने ऐड कर लिया, अगला नाम मेरे को ऐड करना है, फिर से इसी पे जाएंगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम पे। यहाँ पे जिसके लिए आपको अप्लाई करना है आपको वो नाम यहाँ पे डाल देना है, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उस प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। आगे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ रिमूव करना है, आगे यहाँ पे लिखा है पिंक कलर से रिमूव, इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए उस यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है, बुलेटिन है, आप लोग उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद उसमें देखना सब कुछ, सारी गाइडलाइन को, उसके बाद ये चीजें आप लोग फिल करना। फॉर्म तो आ चुका है पर जल्दबाजी नहीं करनी, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है उसके प्रोस्पेक्टस का वेट करना, आ जाए उसको पढ़ लेना अच्छे से, डाउट क्लियर कर लेना, तभी अपना CUET का फॉर्म फिल करना। और ये सब कुछ यहाँ पे आप करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी स्लैश प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, आप इस पर क्लिक करके अपना जो प्रीव्यू है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रीव्यू वाला पेज है ये फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको देख लेना है कुछ चेंज तो नहीं करना, अगर चेंज करना है तो अभी भी चेंज कर लेना। यहाँ पे नीचे लिखा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आप क्लिक करके अब आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपके सामने एक फिर से न्यू पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको टेस्ट का जो पेपर है, सब्जेक्ट है, इनका सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इनको आराम से खुद भी पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको पहले स्लॉट 1 का एग्जाम देना है, स्लॉट 2 का एग्जाम देना है, या दोनों देना है, क्या देना है आपको पहले वो डिसाइड करना है, ठीक है। अब स्लॉट 1 का एग्जाम अगर आपको देना है तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एग्जाम देना है।
तो ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिस जगह पे आपको एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना, और जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है आप वहां पे देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि उस कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है, तो उस सब्जेक्ट का नाम आप लोग वहां पे चेक कर लेना, फिर वही सारे सब्जेक्ट आप यहां पे आके एंटर कर देना। जो भी आपको एग्जाम देना है तो एक बार उसको चेक कर लेना, तभी आप यहां पे फॉर्म फिल करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे यहां पे ये देना है एग्जाम लैंग्वेज का, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज देनी है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वन, अगर इसमें कुछ आपको देना है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू, इसमें से अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन थ्री, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। पर यहाँ पे ऐसे नहीं फिल करना, ये तो मैं सिर्फ एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ चीजें। आपको पहले जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोस्पेक्टस चेक कर लेना, उसमें लिखा होगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करना, ये चीज आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। सेम इसी तरह से स्लॉट वन का आप कर सकते हो, अगर आपको स्लॉट टू के लिए जाना है तो आप स्लॉट टू का भी फिल कर सकते हो। और फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड द अबव सेक्शन फॉर सीवीईटी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे जो बॉक्स इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पे लिखा है सेव, इस पर आप क्लिक कर देंगे। लेकिन जल्दबाजी मत करना, एक बार उसको चेक कर लेना प्रोस्पेक्टस को, उसके बाद ही फिल करना, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब इसके बाद फिर से हमें प्रीव्यू वाला पेज आ चुका है, आपके बार चेक कर लेना कि आपने किसके लिए अप्लाई किया, स्लॉट वन में क्या अप्लाई किया है, स्लॉट टू में क्या अप्लाई किया, सब कुछ आप इसको चेक कर लो। अगर यहाँ पे लगता है कोई गलती है तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई गलती आपको नहीं लग रही है, तो आपको सीधा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम सेंटर के सिलेक्शन की। अब आपका एग्जाम का सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे चार सिटी का प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप जो क्वेश्चन पेपर देंगे किस मीडियम में चाहते हैं, इंग्लिश में, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आपको जो भी देना है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपको स्टेट कौन सा रखना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के नाम आ रहे होंगे, उसमें से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेव, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप एक बार चेक कर लेना कि आपने क्या ऑप्शन यहाँ पे फिल किया है, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वरना आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार प्रीव्यू आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप फॉर्म में गलती न कर दें, तो इसलिए प्लीज आप लोग फॉर्म को ठीक से ही फिल करना, कोई गलती मत करना। इसके बाद फिर बारी आती है अपलोड आपके डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करी होगी उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी तो है नहीं तो वो अपलोड नहीं करना, यहाँ पे अपलोड करना है मुझे क्लास 10 की मार्कशीट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ। इसी तरह से आपने जो डिटेल यहाँ पे पीछे फिल करी होगी उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। बाकी साइज वगैरह क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया था, और ऊपर यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, तो नीचे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे आप गैलरी में पहुंच जाएंगे, वहां से आप अपने फोटो को, सिग्नेचर को, जो भी है उसे वहां पे सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको पेज को नीचे करना है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे जो रिव्यू वाला पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जितनी चीजें लिखी गई है सब कुछ आपको यहाँ पे चेक कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ इसको अच्छे से चेक कर लेना। सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती है, जैसे एग्जांपल अगर आपको लगता है कि एड्रेस में गलती है, तो यहाँ पे आप आएंगे आगे एड्रेस के आगे, यहाँ पे देखिए पेंसिल दिख रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चेंज का ऑप्शन आ जाएगा एडिट का, आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फाइनल चेक जरूर कर लेना कि सब कुछ ठीक है या नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तभी आप पेज को नीचे करना और सबसे नीचे आप आ जाना। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे लिखा हुआ है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे जितनी चीजें आपने लिखी, जितने बॉक्स आपको दिख रहे होंगे सभी बॉक्स के आगे आपको टिक कर देना है, जितने भी बॉक्स हैं सब कुछ टिक करना है। सब पे टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड टू पेमेंट, अब इस पे जाके आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप पहले इसको ठीक कर लेना, तभी आप आगे बढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि इसके बाद कोई यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको चेक कर लेना। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको चेक कर लेना अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो नीचे ईमेल आईडी आपकी दिख रही होगी, नीचे आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, नीचे यहाँ पे दिया गया सिक्योरिटी पिन ये आपको एंटर कर देना है, और फिर नीचे यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है वेरीफाई, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेमेंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको सब कुछ चेक कर लेना है, और अब यहाँ पे आपकी फीस कितनी है आपको दिख रही होगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आप जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पे आप जाके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ आप पेटीएम पे, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेटीएम का गेटवे है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा पे नाउ का, इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी पेमेंट आगे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको बैंक के थ्रू करना है तो आप उस पर क्लिक करके आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लोग अपना पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा यार कि फॉर्म को फिल करने से पहले जल्दबाजी मत करना, अपना जो बुलेटिन है प्रोस्पेक्टस उसको पढ़ लेना, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करना। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पे आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।